नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, अगर आप जादू देखने में रुचि रखते हैं तो आपने डायनमो का नाम तो सुना ही होगा, जिसका प्रोग्राम टीवी पर भी दिखाया जाता है। आप में से कई लोग डायनमो और उसके जादू के फैन भी होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि डायनमो ऐसी कमाल की मैजिक ट्रिक्स कर कैसे पाता है? जी हाँ, किसी भी महान जादू के पीछे कई कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स छुपी होती हैं, जो जादूगर परफॉर्म करके हमें इन जादुई इल्यूजन्स में कंफ्यूज कर पाते हैं। आज हम आपको इस सदी के सबसे बड़े जादूगर यानी डायनमो की कुछ ऐसी मैजिकल ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो हर बार की तरह इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचाकर अपना सपोर्ट हम तक जरूर पहुंचाइए। चलिए अब चलते हैं इस जादुई सफर पर। दोस्तों, क्या आपने डायनमो का वो जादुई कारनामा देखा है, जिसमें वो लोगों के सामने एक खाली बाल्टी से ढेरों मछलियां निकाल देता है? अगर नहीं तो ये देखिए, एक नॉर्मल इंसान को ये कारनामा देखकर समझ नहीं आएगा कि डायनमो आखिर ऐसा कर कैसे पा रहा है, और इसीलिए हम सभी इस मैजिक ट्रिक को एक बार देखकर ही हैरान हो जाते हैं। पर असल में डायनमो कुछ ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है जिससे यह सब संभव हो पाता है। इस ट्रिक के लिए दो अलग बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पहली बाल्टी केवल लोगों को दिखाने के लिए ही यूज होती है, वहीं दूसरी बाल्टी बहुत खास होती है। इस बाल्टी में एक मिरर का पार्टीशन होता है, जहां दूसरी साइड मछलियां स्टोर होती हैं, और जब डायनमो ये बाल्टी हिलाता है तो ये सारी मछलियां नीचे गिरने लगती हैं। दोस्तों, डायनमो की ये ट्रिक आपने शायद ही पहले देखी हो। इसमें डायनमो एक बिल्डिंग की वॉल पर चलता नजर आता है। डायनमो की ये ट्रिक भी उसकी सारी ट्रिक्स की तरह लाइव परफॉर्म करी गई थी, और आसपास के सारे लोग उसको बिल्डिंग की दीवार पर ऐसे चलता देख रुककर उसके इस अनबिलीवेबल जादू का आनंद लेने लगे। पर डायनमो ने यह किया कैसे? असल में डायनमो को केबल्स के द्वारा बांधा गया था, जिनका एंगल थोड़ा टेढ़ा किया गया, जिससे डायनमो बिल्डिंग पर आसानी से चल पाए और झूले नहीं, और रात का वक्त होने के कारण ये केबल्स किसी को नजर भी नहीं आई। दोस्तों, इस अगली ट्रिक में डायनमो एक स्विमिंग पूल के ऊपर अपना हाथ इस तरह से घुमाता है कि उसमें मौजूद सारा पानी एक ही क्षण में बर्फ बन जाता है। असल में जिस पानी में डायनमो अपना हाथ रखकर उसको बर्फ बनाता है, उसके नीचे पहले से ही बर्फ की एक लेयर मौजूद होती है, और डायनमो के हाथ रखते ही उस पानी को नीचे खींच लिया जाता है और बर्फ की लेयर ऊपर आ जाती है। ऐसा ही उस झरने के साथ भी किया जाता है। जिस समय डायनमो अपना हाथ उस झरने पर घुमाता है, तभी सारे पानी को रोक दिया जाता है और पहले से मौजूद बर्फ की लेयर अब साफ साफ दिखने लगती है। दोस्तों, यह है डायनमो की ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक्स में से एक, जहां वो लंदन की सड़कों पर एक डबल डेकर बस के सहारे हवा में उड़ता नजर आता है, और सभी लोग भाग भाग कर उसकी वीडियो बनाते नजर आते हैं। तो डायनमो की इस मैजिक ट्रिक के पीछे का राज क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। डायनमो ने जो हाथ बस पर रखा होता है, असल में वो एक नकली हाथ होता है, जो असलियत में एक मेटल रॉड होती है, और खुद को हवा में लेविटेट करने के लिए डायनमो ने एक मेटल हार्डनेस भी पहनी होती है, जो इस मेटल रॉड से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से डायनमो हवा में उड़ पाता है। उसका असली हाथ उसकी शर्ट के अंदर मौजूद होता है, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो अपने दूसरे हाथ से फोन का इस्तेमाल करता है। तो आपका डायनमो की इस ट्रिक के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, आपने डायनमो की वो वायरल वीडियो तो देखी ही होगी, जहां वो लंदन की थेम्स नदी के ऊपर चलता नजर आता है। जो भी इस कारनामे को देखता है वो इसी चक्कर में पड़ जाता है कि डायनमो आखिर पानी पर चल कैसे पा रहा है। आप भी यही सोच रहे होंगे, तो चलिए हम आपको इसके पीछे का राज बता ही देते हैं। दोस्तों, असल में डायनमो प्लेक्सी ग्लास से बनी टेबल्स का इस्तेमाल करता है, जो पानी में बिल्कुल भी नजर नहीं आते, और इन टेबल्स को पहले से ही नदी में इस तरह से बिछाया जाता है कि डायनमो उन पर चल सके। बस फिर क्या,
डायनमो इन टेबल्स पर इस तरह चलता है मानो वो असल पानी पर चल रहा हो और सभी लोगों को हैरान करने में सक्षम हो पाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के कुछ महान जादूगरों में से एक डायनमो की कुछ अनबिलीवेबल मैजिक ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी कमाल की वीडियोस हमारे चैनल पर आगे भी देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।